Criminal Law. नाम पुराने लोग बताऊंगी आपको कौन से थे, नए वाले बता दो एक एक करके। मैं पूछता हूँ उनसे। आईपीसी है, यस, भारतीय है कि वो आपके एब्रिवेशन के लिए और लोकल डायलेक्ट के लिए बना लो बात है। देख आईपीसी आईपीसी बोलते हैं, मे भी आपने एलएलबी पढ़ा भी होगा, आईपीसी बीएनएस वर्ड आ जाएगा। देन एविडेंस, एनसीआरपीसी, बीएनएसएस, ये बेसिक लॉज आ गई। जैसे अब इसके रिगार्डिंग आपके जो फाउंडेशन वाला पार्ट एनएलबी में पढ़ के आप करके आए हो जो लेटेस्ट में, तो नई लॉज रहेगी इसमें। ऑनलाइन में ऑडिबल है सभी को, वॉइस क्लियर है? देखो बेसिक कंसेप्ट है जो इनका, वो मेंटेन किया गया है, जो चीजें थी वही की वही है। ऐसा नहीं कि अभी पहले एक्टर सीरियस मेंस किया था तो कुछ और आ जाएगा, वो तो वही रहेगा। तो बेसिक कंसेप्ट वही के वही रहेंगे ऐसे इसके रिगार्डिंग भी। और अब पॉइंट वही है कि अलग अलग है सेक्शन, कम ज्यादा जैसे कर दिए गए वो वाला पार्ट ऐसे उसमें। तो अब सेक्शन नंबरिंग वाला पार्ट तो चलो अभी आपके लिए भी नया होगा, मे बी इट मे बी द इन द न्यू एग्जाम की न्यू लॉज कम, मे बी पुराने के अकॉर्डिंग आ जाए। दैट इज प्रेरोगेटिव ऑफ द रिक्रूटमेंट कमेटी एजेंसी, जो भी उनका पार्ट भी रहेगा। तो कंपेरेटिव मोड में जैसे चीजें चलेंगी दैट विल बी बेटर, क्योंकि वी कांट प्रिडिक्ट कि क्या लिखा जाए। आईपीसी लिखा जाए कि ये अब नए इसमें जैसे दंड संहिता वाला पार्ट आ जाए, उस तरीके से वाला पार्ट। तो अब पॉइंट उसी के बेस पे हम चलें क्राइटेरिया की, बेसिक कंसेप्ट वो वही के वही रहेंगे उसमें। तो बेसिक कंसेप्ट है उनको फॉलो करोगे तो वो चीजें ज्यादा बेटर रहेंगी। हो सकता है काफी सारे स्कैटर्ड सेक्शन को डाल दिया हो एक के अंदर क्लॉजेस बना के, इसे वो वाला पार्ट हो सकता है ऐसे उसके साथ में। और लॉ चेंजिंग प्रोसेस है, इसी रीजन से क्या है कि पहले की लॉज के अंदर भी क्या अमेंडमेंट्स नहीं होती रही थी, एडिशंस भी होती रही, अमेंडमेंट्स भी होती रही इसके रिगार्डिंग। और उस सेंस में वो जजमेंट्स की जुडिशियल प्रेसिडेंटल वैल्यू ज्यादा थी, क्योंकि उन्हीं के कारण इनमें चेंजेस आए थे ऐसे उसके रिगार्डिंग काफी सारे जजमेंट्स। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे, जो रेप लॉज के रिगार्डिंग है, क्या जो ओरिजिन 1860 वाला था लॉ वही चल रहा था पहले? अभी बस चेंज 1983 में कुछ एक केस हुआ था इस तरीके से, मथुरा केस बोलते हैं उसके रिगार्डिंग, उसके कारण 1983 में अमेंडमेंट हुई थी। 2013 में भी इन में रेप लॉज में अमेंडमेंट हुई थी, उस टाइम कौन सा केस था? रिपिया केस है। तो पॉइंट वन है सोसाइटी के कारण वो चीजें हुई, तो उनके कारण उसमें भी अमेंडमेंट वाला पार्ट आया, तो उस चीज को ही हमें फॉलो करना पड़ेगा। पॉइंट वही है कि कंसेप्ट तो वही रहा, बट उसमें कुछ ना कुछ वाइडर कर दिया गया या कुछ कुछ और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो डाल दी गई। अदरवाइज हम माइनर की डेफिनेशन अंडर 18 कह रहे हैं, बट रेप लॉज में या हीनियस क्राइम में उन्होंने 16 अबव 16 विल बी टर्म्ड एज इक्वल टू 18, उसको एट पार रख दिया गया उसका ट्रायल। वो निर्भया केस के बाद में हुआ ना, उससे पहले वाले क्राइम है उसमें उस फिर भी जुवेनाइल के तौर पर ट्राई होगा, तो वो मुकेश एंड अदर्स वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली केस आ गया, वो मथुरा केस था ऐसे उसके रिगार्डिंग। जनरली पॉइंट वे की जैसे ये एक एग्जांपल है, ऐसे सीआरपीसी के अंदर भी एग्जांपल है कि जैसे एस्पेक्ट्स हैं, कोई पर्सन आज के डेट में कोई केस हो गया, ऐसे सोशल मीडिया इतना हावी है कि पकड़ा गया उसी टाइम पर, हो सकता है न्यूज सारी चल पड़े। बट हम जनरली क्या एक बेसिक प्रिंसिपल क्या मान के चलते हैं, नाम उसके पीछे नागरिक सुरक्षा संहिता हो चाहे सीआरपीसी हो, डजंट मैटर, वो कंसेप्ट पहले भी था आज भी है, उसके इंटरप्रिटेशन उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग भी हुई है। अब उसमें 41 सेक्शन तो पहले भी था, 41 से 60 अरेस्ट वाले पहले भी थे, इस सीआरपीसी से पहले भी तो सीआरपीसी 1898 का था एक, वो डिलीट हो गया 73 में नया आया था, तो वो लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन के बेस पर था।
उस टाइम भी यही बोला गया कि दैट सम काइंड ऑफ कॉलोनियल इम्प्रिंट्स आर देयर, दैट्स व्हाई वी नीड टू चेंज द सीआरपीसी। वो चीजें भी थी जैसे उसके रिगार्डिंग, तो उसमें चेंज आए। उसके बाद में अरेस्ट के ऊपर आप लोग कुछ जजमेंट्स के नाम आप ही बता सकते हो, जैसे अरेस्ट पे कोई जजमेंट पड़ी हुई है एलएलबी टाइम, किसी को भी बताओ कुछ आइडिया। निश कुमार है, और कोई बस हुई जजमेंट? अब ये जजमेंट जो नाम ले रहे हैं ये जजमेंट्स हैं डीके बासु की होगी, अर्नेश कुमार की होगी, जोगिंदर भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में भी है, 21 आर्टिकल और आर्टिकल 22 के साथ में भी है, में भी ये रिलेटेड है, उसी के साथ में भी है। तो पॉइंट ये आता है कि वेदर अरेस्टेड पर्सन आल्सो हैव अ फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स भी इसके साथ में आ जाएगा। हम प्रोसीजरल लॉ की बात करें कि अरेस्ट कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या मोड्स रहेंगे, प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। उसके पीछे बेसिक रीजन है वो क्रिमिनल लॉ स्टैट्यूटरी वाला पार्ट, हम सब स्टैंडर्ड की बात करेंगे, आईपीसी वाला, दंड संहिता वाला पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग बात करें वो वाला पार्ट हो जाएगा उसमें। तो वो मैनर एंड प्रोसीजर था, तो मैनर एंड प्रोसीजर में भी क्या फंडामेंटल राइट्स की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी, ये क्वेश्चन भी राइज हुए थे कि अब आज के डेट में आप काफी सारी चीजें देखते हो भी, देखो जी जो इस गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट हो उसके भी पीछे, अब क्या हम हमेशा मान लें हमेशा केस गलत होंगे, गवर्नमेंट चेंज है और केस हो रहे हैं सारे झूठे केस करवा लिए, ये मान लेंगे, एक रिवेंज वाला पार्ट चलता है, कुछ ना कुछ तो वो चीजें रहती है ऐसे। बट द पॉइंट इज क्या गवर्नमेंट चेंज और दूसरे को पकड़ा जा रहा है, अब उसको इनह्यूमन तरीके से ट्रीट कर दिया जाएगा, कुछ नहीं भी अराइज होता है, कल को जाके वो बरी होगा, हम बोलते हैं भाई जित बरी कर दिया, अभी एक्विटल होगी उसकी, ठीक है, विद ऑनर हो गया। बट द पॉइंट इज वो उस टाइम तक के उसके राइट से उनको तो प्रोटेक्ट किया जाए उसके रिगार्डिंग, जब पनिशमेंट होगी तो पनिशमेंट दे देना ऐसे उसके। That is the procedure, due process of law, जो constitution की, उसको तो follow किया जाए। तो इसीलिए डीके बासु की जैसी judgment है, वो 90s में जाके आई, 91 की या 94 की judgment, तब उन्होंने काफी सारी guidelines दे दी भी, जो पुलिस ऑफिसर है वो पूरी ड्रेस में होने चाहिए, उनके नेम प्लेट्स पहननी होनी चाहिए, उन्होंने एंट्री करनी है, कितने बंदों को पकड़ा है जैसे उसके, क्या उसके रिलेटिव वगैरह को इन्फॉर्म किया कि नहीं किया, ऐसे तो नहीं उठा के ले जहाँ मिला, एंट्री की नहीं, इलीगल अरेस्ट ही चले जा रहे हैं ऐसे। तो ऐसी ऐसी गाइडलाइंस उसके अंदर दे दी। तो रीजन वो देखा जाए फंडामेंटल राइट्स की लाइट में ही हो रहा है सारे का सारा पार्ट है, तो उसकी लाइट में ही जो 41 से लेके 60 के जो प्रोविजन है वो गाइडेड है उसके रिगार्डिंग। सब्सटेंटिव लॉ नहीं आती है क्रिमिनल लॉ, अभी भी आईपीसी जैसे अब नया अपना दंड संहिता वाला पार्ट है, तो अब उसमें जैसे लॉज आ रही है तो उसमें भी इश्यूज आएंगे, नया सीआरपीसी अपना नया ये नागरिक सुरक्षा संहिता उसमें भी आएगा, उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है गई उनके ऊपर कि भाई जो पावर्स ऑफ द पुलिस के ऊपर प्रेजेंट में कोई गाइडलाइन नहीं है, जुडिशियल प्रेसिडेंट नहीं है, तो फिर क्या वो बिना रोक टोक के अपने उनको कर लेंगे, क्योंकि डीके बासवाई उससे पहले भी तो यही एलिगेशन थी भी बिना कोई रोक टोक के टॉर्चर, पुलिस टॉर्चर, थर्ड डिग्री करना, किसको पकड़ लिया नहीं किया, पकड़ा चार दिन के बाद छोड़ दिया, तो ये जो चीजें होती हैं उनकी एंट्रीज वगैरह नहीं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स हो रही, एफ आई आर करवाने गए एफ आई आर नहीं की जैसे उसके लिए, उस पुलिस ऑफिसर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो पुलिस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या पर्सन जहाँ पे क्राइम है सिर्फ वहीं एफ आई आर करवा सकता है, क्या कहीं आउट ऑफ स्टेशन में एफ आई आर नहीं करवा सकता, क्या ऑनलाइन एफ आई आर नहीं हो सकती, ये क्वेश्चन क्या, ये चेंजिंग डायमेंशन ऑफ सोसाइटी है, जब आई टी था ही नहीं तो हम ऑनलाइन की बात ही क्यों करते 2000 से पहले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये 2000 में आया था इससे, तो वो आया तो उसके बाद चीजें चेंज होके धीरे धीरे गाब में मतलब आती गई चीजें, तो उन्हीं में ये सिस्टमैटिक चीजें भी आ गई कि हाँ ये चीजें भी रिकॉर्ड मेंटेन हो सकता है सारा का सारा। इसमें 2019 में 2020 में ऐसी एडजस्टमेंट आ गई भी, हर पुलिस स्टेशन में भी कैमरा होना चाहिए, थर्ड डिग्री का इलीगल अरेस्ट वाला क्वेश्चन है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ क्या वो बंदी हो जाएगा, क्योंकि कौन पकड़ के लेके आ रहा है वो देखा जाएगा उस चीज के अंदर। बट डायरेक्शन देने और उनके बाद उसके इंफ्रा के अंदर इनमें एक गैप है, डायरेक्शन तो हो जाती है उसके रिगार्ड। तो मेरा यहाँ पे यही कहने का है कि ये जो नई लॉज आई है ना, ये चेंजिंग डायमेंशन ऑफ सोसाइटी के साथ में, उसके कारण क्या कि जजमेंट्स के अंदर वो डायरेक्शन देते गए, किस पॉइंट पे दे दी, इस पे दे दी, तो धीरे धीरे करके क्या लॉ के एक पैरेलल लॉ जजमेंट लॉ भी बन गया, पॉइंट समझ रहे हो, जैसे जजमेंट लॉज ज्यूरिसप्रूडेंस में ये वर्ड पड़ा हुआ, जजमेंट लॉज होगी जो रिटन लॉज नहीं है, वो सरकमस्टांसिस के अकॉर्डिंग है, और वो लॉज को फॉलो भी किया जाएगा, क्योंकि जजमेंट लॉ है फिर कोर्ट तो फॉलो करेगी, उनकी प्रेसिडेंटल वैल्यू भी रहेगी। हमेशा हम
अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए यही बोलते हैं कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा बोला है, हम भी तो यही कह रहे हैं, ये वाला पॉइंट रहता है उसमें, तो वो इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट उसमें भी रहता है। तो इसीलिए वो जो पुरानी जजमेंट लॉज हैं उनकी जो प्रेसिडेंटल वैल्यू वो भी यहाँ पे कंटिन्यूड रहेगी, अनलेस अदरवाइज कुछ नए टाइप का क्राइम ना जिसकी इंटरप्रिटेशंस की जरूरत हो। जैसे 354 था, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन, अब उसके अंदर क्या वॉयरिज्म, स्टॉकिंग और ये चीजें और आ गई उसमें, और उसमें भी ITX से रिलेटेड चीजें आ गई, उनमें भी अमेंडमेंट या उन चीजों के जुडिशियल प्रेजेंट देने पड़े कि कब जाके वो क्राइम होगा, सिर्फ पिक्चर लेने पे, पिक्चर विद द कंसेंट और या विदाउट कंसेंट होनी चाहिए, या पिक्चर सर्कुलेट कर देंगे ऐसे प्राइवेट जो वाला पार्ट में उसमें होगा उसके रिगार्डिंग, तो किस मोमेंट पर वो क्राइम हो जाएगा, तो वो जो चीजें होगी तो इंटरप्रिटेशन ही निकल के आ रही, वैसे इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट इनमें भी रहेगा। ठीक है, तो अब इनमें क्या है कि तीनों तीन लॉज है, क्रिमिनल लॉ की हमने यहाँ पे रखी है, कौन सी प्रोसीजरल है, कौन सी सबस्टांटिव है इसमें, बाकी दोनों प्रोसीजरल है। ठीक है, कुछ राइट्स को हम जैसे कुछ सेक्शंस को उसमें साक्ष्य अधिनियम वाला पार्ट एविडेंस के अंदर उनको भी सब्सटेंटिव कह सकते हैं क्योंकि उनमें राइट्स मिलते हैं, एस्ट्रोपल हो गया, हाँ सिविल तो वाला पार्ट, अदरवाइज क्या वो भी प्रोसीजरल है, बट उनकी क्या एप्लीकेबिलिटी है। ये मोमेंट है जहां पे कि भाई अलेज किया गया है कि कोई क्राइम हो, क्राइम हो गया तो यहां पर एक पर्सन ने वायलेशन किया, क्राइम हो गया, अब इसी पॉइंट के ऊपर जब क्राइम हुआ है कि नहीं, इसमें तो एसेंशियल्स की हम अगर बात करेंगे इस पॉइंट तक ही वो चीजें अप्लाई होंगी जो IPC का और न्याय संहिता वाला पार्ट है उसके साथ, बट इस मोमेंट के बाद में जो प्रोसेस फॉलो किया जाएगा इसमें फाइनली जाके मतलब या तो एक स्टेज बीच में आएगी जिसमें डिस्चार्ज या डिसमिसल वाला पार्ट भी रहता है। या फिर फाइनली एक्विटली या कन्विक्शन का पार्ट रहता है। एक्विटल कन्विक्शन तो हो गया, अभी पनिशमेंट मिल गई या फ्री हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये डिस्चार्ज या डिसमिसल है ये पहले आता है। डिस्चार्ज या डिसमिसल के क्राइटेरिया ये है कि प्राइमा फेसी देयर आर नो सफिशिएंट एविडेंसेस देयरफॉर द पर्सन इज डिस्चार्ज, उसके अगेंस्ट चार्ज ही नहीं बनता कि हम ट्रायल भी करें, प्राइम फेसी यहां भी लगता है इस बंदे ने क्राइम किया है तो हम इससे स्टेज से आगे निकलेंगे, नहीं तो यहीं पे खत्म। कल को अगर कोई नए एविडेंसेस मिल गए वी कैन ट्राई हिम अगेन, देयर विल नॉट बी डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी सुना हुआ होगा वर्ड, क्या मीनिंग है उसका, सेम एक्ट वास्ते ट्राई नहीं किया जा सकता, वन पर्सन कांट बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम एक्ट सेम जो सब वगैरह, बट इफ अ पर्सन हैज बीन एक्विटेड और कन्विक्टेड देन डबल जियोपार्डी अप्लाइज, रीजन बीइंग ऑन मेरिट्स। अब ऐसे थोड़ा, ऐसे तो फिर एंडलेस प्रोसेस ही हो जाएगी, हमेशा चलता ही रहेगा ऐसे, ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब शुरू होता है यहां से जो प्रोसीजरल वाला पार्ट, हम इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या CRPC की बात करें, इस स्टेज से वो सारी प्रोसेस, रीजन बीइंग क्या है, क्राइम हुआ है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ऐसे है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी, क्योंकि कोरलेट में क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिस्ट है वो कौन से स्केड्यूल में प्रोवाइड हुआ आइडिया नहीं है उसमें, कौन से यूनियन, यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, कंकरेंट हो गया, कंकरेंट वो है जिसके ऊपर दोनों ही बना सकते हैं इंडियन स्टेट, लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, पंजाब पुलिस होती है, भारत पुलिस तो नहीं होता ना वर्ड, राजस्थान पुलिस होती है, तो उस वर्ड का मीनिंग ही क्या है कि ये स्टेट सब्जेक्ट है ऐसे उसके रिगार्डिंग, तो वो पॉइंट उसी के ऊपर बेस है, वो लॉ एंड ऑर्डर उनका, तो यहाँ पर जो इसी टाइम पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, उसी पर्पस के लिए सारी वो चीजें जो उस प्रोसेस को, उस कन्विक्ट जो एक्यूज है उसको कन्विक्ट करवाने के लिए सफिशियंट हो या प्राइम फेसी वहां पे अवेलेबिलिटी हो, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी और वो कलेक्शन यहाँ से शुरू हो, तो ये चीजें स्टार्ट होती है, इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है।
ऑफिसर मतलब पुलिस स्टेशन क्यों जाते हैं पर्सन, ये रीजन है? इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का एक लीगल मीनिंग है कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। वर्ड आ गया जो हमने प्रोसीजरल वाला पॉइंट बोल रहे थे, ये शुरू हुआ है और इसमें वर्ड वो एविडेंस वर्ड भी आ गया, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस में क्या क्या ऐसे एविडेंस है दो आर अगेंस्ट दी एक्यूज पर्सन, उनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो मान लो ए ने बी को पार्किंग में यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ और उसने शूट कर दिया, उसकी डेथ हो गई और वो वहां से भाग गया, उसको लोगों ने पकड़ने की कोशिश की तो उसका पिस्टल वगैरह गिर गया। इतनी सी सिचुएशन है, यहाँ से किसी ने फोन कर दिया पुलिस को, भाई यहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया, आप पहुंचो जल्दी। वाले यहाँ पहुंचे, अब आम बंदे की भाषा में ये इतनी बात हुई है। अब एज एन एडवोकेट एंड लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या क्या चीजें इसमें लीगल पॉइंट लेके आ सकते हैं, कि यहाँ से चीजें शुरू होती है लीगल की या एडवोकेट वाला क्राइटेरिया उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑफेंसेस की दो कैटेगरी बनाई गई है, कैटेगरी अलग अलग तरीके से है। एक तो है कि जैसे इसमें सीरियस और लेस सीरियस के अकॉर्डिंग, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल का क्राइटेरिया। एक है ट्रायल के पॉइंट ऑफ व्यू से, समन वारंट एंड वारंट, समन ट्रायल एंड वारंट ट्रायल, उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेस सीरियस एंड मोर सीरियस उसी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्राइटेरिया भी है। एफआईआर, एफआईआर की फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो कॉग्निजेबल केसेस में होती है कि नॉन कॉग्निजेबल में होती है? वो कॉग्निजेबल में होती है। अभी सिर्फ इतना बोला लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्या ये इंफॉर्मेशन एफआईआर है? ये इंफॉर्मेशन है कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, यहाँ पे आए, यहाँ पूछा करा अपने लेवल पर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी भी यहाँ पे क्या हुआ, बच्चा मार दिया बंदे को, ये जैसे ही पता ना वो सीरियस, ये वर्ड कॉग्निजेबल उस कैटेगरी में फॉल कर, वो मोमेंट पर या तो उस पर्सन को इन्फॉर्मेंट बना सकते हैं, बट अगला पर्सन कहता है नहीं नहीं मैंने नहीं, आप बाकी देख लो, मैं तो अभी आई हूँ, मैंने देखा बंदा मेरा। अब वो जो कॉन्स्टेबल है वही इन्फॉर्मेंट बन जाएगा वहां पे, एंट्री भी हमें कॉल आई थी और हम चले गए, वो पर्सन वहां से कॉल करके निकल गया था, उसने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, बता दिया वहां कुछ क्राइम हुआ। फिर वो पुलिस ऑफिसर जो भी है कॉन्स्टेबल है वो इन्फॉर्मेंट बन जाएगा, हमें इन्फॉर्मेशन कैसे मिली और हमने क्या देखा, बंदा मरा पड़ा है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। वहां से इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, भाई वो पर्सन कौन है, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ असेलेंट है वो हो सकती है क्या। अब वहीं से चीजें क्या होगी स्टार्ट, अरेस्ट करें कि ना करें, एक अकरेंस रिपोर्ट वहां पर बनाई जाए, क्या कुछ उन्होंने देखा जाते, ये पर्सन था ऐसे गिरा हुआ, वहां पे एक कार्ट्रिज का जो था वो गिरा हुआ था खाली, और एक पिस्टल भी थोड़ी सी वहां से गिरी थी, ब्लड स्टेन से वहां पे इस तरीके से, मरने वाले का ये नाम, अटैक करने वाले का ये नाम बताया जा रहा है, या सीसीटीवी कैमरा फुटेज से हमें ये चीजें मिली। तो ये जो चीजें इकट्ठी करनी स्टार्ट कर दी, ये अकरेंस रिपोर्ट में मतलब वहां पे मौका वारदात का क्या कुछ था, उसमें अपरेंटली जो इन्फॉर्मेशन, उन्होंने ये नहीं कहा कि उसी ने मारा है, भाई एज पर द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड ये सारी सिचुएशन मिली, बॉडी को भेज दिया गया, और जब वो रिलेटिव आए, जब उनको पूछा कि ऐसे ऐसे करके नाम बता रहे, वो कहते हैं हाँ जी वो बंदा तो लड़ाई झगड़ा पहले भी हुआ था, एनिमिटीज थी, वो कहते मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तो मारूंगा, हमारे पहले भी अटैक कर चुका, ये चीजें भी आ गई साथ में। उसके बेस पर उसको अरेस्ट करने के लिए गए, घर पे मिला नहीं मिला, तो वो जो सिचुएशन यहाँ से शुरू होती है। इसके ऊपर एक क्या होगा, अकरेंस रिपोर्ट एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट टाइप होती है, क्राइम होते जो इलाका मजिस्ट्रेट होगा, जैसे जो थाना है वो एक कोर्ट के अंडर में, उस जो मैजिस्ट्रेट के अंडर में है तो उसको इन्फॉर्म करना कि वहां पे कोई क्राइम हो गया, हो सकता है हम कभी भी किसी बंदे को पकड़ के रिमांड लेने के लिए भी आ जाए, और वो रिमांड वाला पार्ट है वो कोर्ट में भी हो सकता है, उसके ऑफिस में भी हो सकता है, मैजिस्ट्रेट के एक एक दिन का भी हो सकता है, 5 दिन का भी हो सकता है। तो इन्फॉर्मेशन देनी, ताकि ये जो अकरेंस रिपोर्ट जो चीजें डालेगी उनमें अपनी मर्जी से पुलिस ऑफिशियल या कहानियां ना डाल सके, अगर हम इसको इमिजिएटली नहीं देंगे
कल वो कहानी और भी डल सकती है, अभी वो नहीं था, कोई और बंदा आया था यहाँ से और किसी ने देखा ही नहीं। ऐसे सिचुएशंस ना हो पाए, जैसे उससे पहले वो बंदा था ही नहीं, या वो बंदा इतनी दूर था, या वो नहीं था, मतलब उन्होंने कुछ भी अपनी तरफ से ना डाले ताकि जिस दिन क्राइम हुआ उसी दिन कोशिश करें इमिडिएटली फोर्थवेथ उसको दिया जाए। जैसे तो वो चीजें हैं अकरेंस रिपोर्ट वाला पार्ट, इन्फॉर्म करना, और ये क्या है वो चेक्स एंड बैलेंसेस बोलते हैं। प्रिलिमिनरी 157 में एक्चुअली ये 157 159 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है मैजिस्ट्रेट। पुलिस वाले ये कह देना कि हमारे अकॉर्डिंग तो लड़ाई झगड़ा हुआ था, हो सकता है उसने खुद को मारा, या हमने किसी को अरेस्ट नहीं किया, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करें, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट करता है, तो 159 होता है पुराने सीआरपीसी में, तो वो ऑर्डर करता है नहीं भाई करो इन्वेस्टिगेट, ये वाला पार्ट है वो 159 उसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो ये इन्फॉर्म करेंगे तब वो स्टेप लेगा, अगर वो पहले से करें हम इन्वेस्टिगेट करें हमने पकड़ लिया तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं, इतनी आगे चलो उसके रिगार्डिंग। अब तो इसमें फिर कॉन्स्टिट्यूशन का अपना आर्टिकल 22 आ जाएगा, और इसमें 24 आवर्स में उसको प्रेजेंट करना है कोर्ट में, वो क्वेश्चन अराइज हो जाएगा वहां पर। तो इसी प्रोसेस में क्या ये प्रोसीजर की बात करें, अभी तक पुलिस वालों ने क्या बोला, कुछ नहीं, वो तो अपनी प्रोसेस करें, उनका काम है और वो ड्यूटी करें, दैट इज द प्रोसीजर। अरेस्ट करना, पेश करना, रिपोर्ट भेजनी, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, दिस इज ऑल प्रोसीजर, देयर प्रोसीजर एंड दे आर फॉलोइंग इट, that is provided in CRPC. Checks and balances मैंने word use किया था भाई, जो different organs हैं, तो हमेशा हम wording बोलते हैं independence of judiciary. तो independence of judiciary वाला rule तभी apply होगा जब जो administrative वाला part, executive वाला part है, उनके ऊपर checks रहेंगे whether they are doing their work properly or not. तो अब पुलिस वाले वहाँ जाए ही नहीं, सबने बोल दिया भी इसने किया, फिर पकड़े ही ना, फिर writs का purpose ही क्या रह जाए? पकड़ लिया, छोड़ ही नहीं रहे, एंट्री की नहीं है, फिर हैबियस कॉर्पस का पर्पस क्या रह जाए? सबसे बेसिक पॉइंट है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है तो हम ये सारी चीजों की बात कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो ये इसी रीजन से सारे जो लोगों का एक राइट है सिटीजंस का, डेथ चाहे किसी वी आई पी की हो चाहे एक आम बंदे की किसी की भी, सेम प्रोसेस ही फॉलो होगी, दैट इज व्हाट वी हैव टू से। तो वो प्रोसेस फॉलो होगी, इसी प्रोसेस में वो चीजें चलती रहेंगी। जैसे अब की टाइम में इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं, रिमांड के डेज में भी कर दिया गया है, एफआईआर वाला पॉइंट है उसमें भी कुछ चीजों में चेंज कर दिया गया है, ईएफआईआर की बात भी आ गई है, जीरो एफआईआर स्पेसिफिकली आ गया है। जीरो एफआईआर पहले जुडिशियल डिसीजन बेस्ड था। जीरो एफआईआर क्या है कि जैसे यहाँ पे कोई क्राइम हुआ, मान लो 36 के थाने के अंदर में पड़ता है, 36 के थाने में जाएंगे, यहाँ पे क्या सीरियल नंबरिंग कर देंगे, आज की पांचवी एफआईआर के अकॉर्डिंग सीरियल वाइज है, तो वो सीरियल नंबरिंग लग जाएगी, वो जो नंबरिंग लगी दैट मींस इट इज इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द सेम पुलिस स्टेशन एंड द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द सेम पुलिस स्टेशन, ये वाला पार्ट हो जाएगा। इशू ये है कि बाय चांस यहाँ से बंदा अपनी जान बचाने के लिए भागा था मोहाली की तरफ और इधर के, तब लग रहा था बच जाएगा, बट वहां पर जाते जाते हालात उसके खराब हो गए थे, हॉस्पिटल छोड़ो पहले पुलिस स्टेशन में जाके बोल के पुलिस स्टेशन गया, पुलिस वाले कहते हैं कहाँ पे क्राइम हो गए थे, 25 सेक्टर में, नहीं नहीं आप 36 में जाओ, वहां तक पहुंच भी पाए ना पहुंच पाए, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो दैट मीन दे आर अवॉइडिंग देयर ड्यूटीज, डेरेलिक्शन ऑफ देयर ड्यूटीज। ये ओरिजिनली पहले सीआरपीसी में नहीं थे, उसमें भी 166 ए जैसे प्रोविजन पहले वाले सीआरपीसी में भी डाले गए थे, प्लस ये चीजें कई केसेस में बोला गया था कि भाई जब आपके पास कॉग्निजेबल ऑफेंस की जब इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है तो एफआईआर आपको करनी करनी, एफआईआर कर लो, जितना आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो ले लो, फिर आप उस फाइल को फॉरवर्ड कर दो जिस थाने का केस है, बाकी उनकी जिम्मेदारी है। उसके ललिता कुमारी केस में, तो ललिता कुमारी केस में ये वाली चीज पॉइंट बोल दिए गए। अब ये इसमें 173 में स्पेसिफिकली 0 एफआईआर का प्रोविजन ही डाल दिया गया नए वाले के, ठीक है ना, तो ये चीज थी नहीं पहले स्टैट्यूटरली एंड सेक्शन वाइज, अब सेक्शन वाइज कर दी। इसमें मैंने बोला जज मेड लॉज, क्यों बोला मैंने, क्योंकि अब वो चीजें डीके बासु में जैसे जो अरेस्ट करने के टाइम पर गए वो चीजें भी क्या है कि उन्होंने अमेंडमेंट हुई जब इसमें सीआरपीसी में, तो इसमें 2009 में और उस टाइम पर डाल दी थी, इन्फॉर्म करना उसके रिलेटिव्स को, कोई उसका चॉइस ऑफ एडवोकेट है उसको इन्फॉर्म करना कि अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है वो इन्फॉर्म करना,
एंट्री करने कितने पर्सन अरेस्ट हैं वो उसके रिगार्डिंग हो गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पर्सन अरेस्टेड हैं या उनके ग्राउंड्स हैं, एड्रेस है, सारे का सारा वो मेंशनिंग करनी। जब अरेस्ट करने जाए तो प्रॉपर यूनिफॉर्म विद नेम्स, प्रॉपर नेम, सारा कुछ हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो सके पर्सन की, अरेस्ट करने गया कौन था। तो ये गाइडलाइंस में दी गई थी, वो 41 ABCD और ऐसे ऐसे करके उसमें भी डाल दिए गए थे। अब तो वो सारे का सारा क्या जजमेंट लॉस है, स्टैच्यूटरी लॉस बनी, उसमें वो प्रोविजन थे। इसमें अब अर्नेश कुमार ललिता कुमारी की जजमेंट बाद में आ गई, अब ललिता कुमारी जजमेंट को अब स्टैच्यूटरी फिर से दें। तो ये ऑलवेज एवर चेंजिंग प्रोसेस है, चलती रहती है, चेंज के साथ में है। और अब उसमें जैसे अब ये आप कहो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ट्रायल, हमेशा क्या होता था कि मान लो किसी कोई है, कोई गैंग का माफिया है, कुछ और है, ये है। अब जनरली हम बोलते हैं कि जो एक्यूज है उसकी प्रेजेंस में ट्रायल होना चाहिए, उसकी प्रेजेंस में ही गवाहियां होनी चाहिए, उसको पता हो कि उसके अगेंस्ट किसने गवाही दी, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, तो वो वाला पार्ट जैसा वो एडल्टरम पार्टम है। बट आईटी आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया, तो उसके बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली ये चीजें सारी डाल देंगे। कि अगर उसको पेश करते हैं सिर्फ उसमें ट्रायल के हर बार लेके आना या पनिशमेंट या कन्विक्शन वाले दिन, तो उनको काफी सारा सिक्योरिटी और वो चीजें भी तो चाहिए होंगी, जो वहां पे कोर्ट होगी और वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे। अदरवाइज क्या, मे बी आपने भी कई बार न्यूज पढ़ी होगी, किसी को पेश करने के लिए लाए थे, मार दिया उसको, या कुछ और हो गया, या कोई और मारा गया, ऐसी ऐसी चीजें। तो अब के इसमें जो नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके अंदर ये चीज बोल दी गई कि उसको वहां पर आप प्रिजन से ही लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू उसमें शामिल करवा दो, कहीं लाने की जरूरत ही नहीं, सिक्योरिटी है ही ऑलरेडी, वहीं से चलता रहे, वो देख लेगा, सुन भी लिया जाएगा, उसकी गवाही कुछ करवाना है तो वो चीज भी हो सकती है वहीं से प्रिजन से। वो थी उसके बेस के ऊपर, शुरू शुरू में तो पार्ट नहीं था, फिर इनमें आई जजमेंट्स में, फिर इसमें जैसे प्रोडक्शन वारंट होते थे, अदरवाइज प्रोडक्शन वारंट आज भी चलते हैं, जब रिमांड लेना हो, रिमांड नहीं लेना, सिर्फ सिंपल हियरिंग है, उसमें इस चीज को फॉलो कर रहे थे। अब इसके लिए उन्होंने स्पेसिफिकली भी आप ये एस्टेब्लिश भी करो, जुडिशियल 260A 267 वगैरह है ना, जो उसमें प्रोडक्शन के रिगार्डिंग थे पहले वाले के अंदर, 167 तो है डिफॉल्ट बिल का, तो ये शुरू में उसका पार्ट नहीं था। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि प्रिजन अथॉरिटीज वाला पार्ट है ना, उनके पार्ट के ऊपर भी एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, वो चीजें उन्होंने जनरल दे दिया था ऐसे उसके लिए, और होता भी था वैसे। अभी भी क्या सारे ऑल ओवर इंडिया में सारे अप्लाई हो गए? कई स्टेट्स ने नहीं अप्लाई किए इनको, रीजन भी उन्होंने वर्ड वही इंफ्रा वाला पॉइंट ही बोला ना, इतना इंफ्रा नहीं है, अभी नेट वाला पॉइंट और वो चीजें वजह से उसके रिगार्डिंग, तो वो उन रीजन से कई स्टेट्स ने नहीं अप्लाई किए, जहां जहां अप्लाई हो गया तो इसलिए वहां पे सिलेबस का पार्ट भी रहेगा, वो चीजें भी रहेंगी, चैलेंज भी रहेंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन के चैलेंज भी रहेंगे, जैसे उसके रिगार्डिंग क्या यही इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, क्या ये पावर्स एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है कि नहीं, वो सारा कुछ भी रहेगा। ठीक है, पिनल लॉज हमेशा मतलब प्रोस्पेक्टिव रहते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते, बट रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव क्या मीनिंग, बैकडेट्स आज अप्लाई कर रहे हैं और बैकडेट से करते हैं, जैसे ये वाला पार्ट, तो क्योंकि पिनल लॉज में हमेशा आज जिस दिन एनफोर्स हुआ है उस दिन के बाद का ये वाला पार्ट, उसके बाद में अप्लाई होगा, तो वो प्रोस्पेक्टिव ही रहते हैं। सिविल लॉ कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, उसमें पेनल्टीज नहीं होती उस रीजन से, उसके रिगार्डिंग राइट्स तक की बात पार्ट। अब इस प्रोसेस में अरेस्ट से लेके सारी चीजें रहेंगी, जैसे इसमें पॉइंट ये है कि इस प्रोसेस में ही आगे फिर इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में जो पुलिस ऑफिसर को करना है, अरेस्ट विद वारंट, अरेस्ट विदाउट वारंट, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाना है, विटनेसेस को बुलाना है, विटनेसेस को बुलाया, अब कई बार क्या होता है कि नोन पर्सन ने क्राइम किया, कई बार होता है अननोन ने क्राइम किया, अब बाई चांस उनको जैसे था भाई ये बंदे विटनेसेस लग रहे हैं इनको बुला लेते हैं, बट उन्हीं में से ही एक बंदे ने क्राइम किया था, पुलिस डजंट नो, अब उसको क्वेश्चनिंग आंसरिंग मतलब उसको एग्जामिनेशन करने लग गए, उससे पूछने लगे ऐसी चीजें कि जो उसके इनक्रिमिनेट भी कर सकती हैं, अगर उस क्वेश्चन का सच्चा सच्चा आंसर देगा तो फंसेगा वो, पर्सन उस चीज का मना कर सकता है कि नहीं कर सकता, ऐसे चुप ही रह सकता है साइलेंट, ये क्वेश्चन जैसे। तो यहां पर क्या है कि ये एग्जामिनेशन में प्लस ये आर्टिकल 20 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके साथ में कोरिलेट होती है,
one person can't be a witness against oneself. Self-incriminatory statements है, they can't be given. ये वाला पार्ट रहता है उसके अंदर. तो ये पुलिस जब एग्जामिन कर रही है तब भी ये कॉन्स्टिट्यूशन के ये प्रोविजन अप्लाई होते हैं इसके साथ. जनरली क्या है कि गाइडेड डेज पहले भी लिखे हुए थे, भी ये ट्रायल इतने इतने दिन में खत्म होना चाहिए. पर्पस तो हो गया स्पीडी ट्रायल वाला और वो चीजें. अब पॉपुलेशन भी है, पेंडेंसी ऑफ केसेस भी है, और मे बी कमी जो जजेस वाला पार्ट, जैसे कि नंबर ऑफ जजेस है वो रिक्वायर्ड है उससे भी कम है, ओवर बर्डनिंग है, कई रीजन है इसके की पेंडेंसी के कारण जैसे ये वाले पार्ट है. बट उसी में एक पॉइंट आता है स्पीडी जस्टिस का भी, जैसे राइट टू स्पीडी जस्टिस, क्या ये राइट है, प्रॉपर है, रिकॉग्नाइज होता है. एनारा खातून का केस, एक सुखदास का केस है जैसे. तो स्पीडी जस्टिस वाला पॉइंट आर्टिकल 21 में इम्प्लिसिट है. राइट टू लाइफ, लाइफ इंक्लूड्स टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी. एक पर्सन ने क्राइम किया है कि नहीं किया ये डाउटफुल है, उस कंक्लूजन पे तो पहुंचे नहीं, बट जितनी उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट थी उतना तो अंदर बैठे ही हो गया उसका. हरासमेंट तो होगी ना, उसका वायोलेशन तो हो ही गया. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके, पुलिस वालों ने, हमें लगा विटनेसेस ने गवाहियां दी थी तो हम ट्राई कर रहे थे, बेल इसने ली नहीं, कोर्ट ने दी नहीं तो हमने अंदर रखा. अरे की बोलेगा अपना अपना पला, बट उस पर्सन का क्या जो 3 साल के पनिशमेंट वाले केस में 9 साल या 8 साल अंदर रह लिए. चीजें भी आएंगी, ये चीजें पहले नेग्लेक्ट होती थी, अब क्या उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स कर दी गई है उसकी तरफ से. टाइम टू टाइम जो पेंडेंसी और कितने साल पुराना केस है उसको प्रायोरिटी पे सुनो, शॉर्ट हियरिंग. प्लस बेल का राइट दे दिया कि मैक्सिमम पनिशमेंट का पहला पॉइंट है पेलेबल है कि नहीं, फिर नॉन पेलेबल में ग्राउंड बनता है कि नहीं, फिर दूसरा पॉइंट है कि मैक्सिमम पनिशमेंट का हाफ पनिशमेंट अगर अंदर हो गया तो राइट ऑफ बेल बन जाएगा. ये जो राइट्स दिए गए ये धीरे धीरे करके आते गए सारे के सारे, वो सारे पार्ट है. और प्रेजेंट में लास्ट ईयर भी एक से अंदर अंतिल की एक जजमेंट भी आई थी इसके रिगार्डिंग, उसमें सेग्रीगेशन भी कर दी बेल के पर्पजेस के रिगार्डिंग. लेस सीरियस केसेस हो गए, बेलेबल हो गए, फिर नॉन बेलेबल में 7 साल से कम, 7 साल से ऊपर हो गया, फिर उससे ऊपर और सीरियस केसेस हो गए, तो वो सेग्रीगेशन कर दी गई है उसके रिगार्डिंग. ये 2023 की जजमेंट मैंने अगर आपको बोला है, दैट मीन्स वो तो चेंज अभी तक भी बेल की लॉ ही चेंज हुए जा रही थी. तो लॉ तो अपना बेसिक लॉ तो अभी चेंज हुआ ही है. तो जब वो जजमेंट पुरानी 73 वाले के ऊपर इंटरप्रिटेशन अगर 2023 तक आ रही है, कितने साल हो चुके हैं, 24 से 27 हो, 21 years में के बाद में भी अगर उसकी इंटरप्रिटेशन आ रही है तो कोई बात नहीं, लॉ चेंज हो गया फिर क्या फर्क पड़ता है, बेसिक कंसेप्ट तो फिर से वही रहेगी. इसमें भी नई 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 जजमेंट आती जाएंगी बस उसके रिगार्डिंग, तो थोड़ा सा वो क्रैमिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको जो सीरियल नंबर वाला पार्ट हो उन चीजों को कवर अप करने. तो फंडामेंटल राइट्स उसी तरीके से रहने वाले, बेसिक कंसेप्ट भी वही का वही रहने वाला है ना उसी के रिगार्डिंग. मर्डर वाला पॉइंट है, उन्होंने बेसिक कंसेप्ट दे देंगे, ये थोड़ा बोलेंगे भी पिस्टल से मारेगा तो मर्डर है, चाकू से मारेगा तो कल्पेबल होमिसाइड है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना, फैक्चुअल चीज पे तो नहीं जा सकते ना. दे कैन गिव अ लॉ पॉइंट तो कंसेप्ट जो ऑलरेडी है ही, इतनी जजमेंट से है या सदियों से ही, अब तो ये बोल लो क्योंकि 1860 का था, अब तो 170 साल पुराने वैसे ही हो चुका था इसके रिगार्डिंग. तो बेसिक मेंस रिया, इंटेंशन, सफिशियंसी विदाउट एक्सक्यूज, वो चीजें तो वही रहेंगी. सर्टेनिटी, वो चीज तो वही रहेगी कि लाइकलीहुडनेस है मरनेगी कि पक्का मरेगा. बेसिक पॉइंट तो डिफरेंस ही है, मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इसमें चांस है मर भी सकता है नहीं भी, वो कल्पेबल होमिसाइड में चला जैसे पक्का मरेगा, मारने की इंटेंशन थी, वही करने आया था, फिर तो मर्डर ही है उसी के रिगार्डिंग. और उसी में अगर बच गया तो उसी सेंस में अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, जिसमें इंटेंशन नहीं है बट फिर भी मारा गया, फिर हम नेग्लिजेंस की बात कर देंगे, कोई ना कोई तो ड्यूटी है ना उस बंदे की खुद को बचाने के लिए, फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है. पॉइंट वही है कि लाइकलीहुडनेस ऑफ डेथ थी तो कल्पेबल होमिसाइड, मरने मारने का ही था भाई, शिट्टी जैसे मान लो उसको हेड पर हिट किया तभी कॉमा में गया, फिर अटेम्प्ट टू मर्डर में चला जाएगा, लाइफ तो है ना. हाँ अब पॉइंट हुई ना कि सर्टेनिटी, मतलब उसने अपनी तरफ से कोशिश हो गई थी. हम उसी सेगमेंट में देखो वहां पे एक थिन लाइन डिफरेंस है ना, अटेम्प्ट एंड कमीशन भी, जिंदा और डेड. उसने तो अपनी तरफ से जो करना वो कर लिया, इसीलिए उसने हेड पे हिट किया, हेड पे शूट किया, अब वो कॉमा में है तो चल रहा है, इसलिए उसको अटेम्प्ट टू मर्डर में जाएगा. अगर डेथ हो गई कल को, मान लेते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, उसको पनिशमेंट भी बाहर भी आ गया,
कल को अगर डेथ होगी तो उसको मर्डर के लिए दोबारा ट्राई कर सकते ठीक है। पॉइंट यहां पर क्या आ जाता है कि ये एक लीगल पॉइंट और एक इमोशनल पॉइंट। अगर हम एडवोकेट के अकॉर्डिंग या जज इसमें लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे एज अ जज वाला पॉइंट के व्यू से, हमें तो लॉ के पॉइंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, हस्बैंड वाइफ थे, मैरिज हुई और 2 साल या 1.5 साल इकट्ठे रहे, और उसके बाद में जैसे कि अपने पेरेंट्स की जगह घर पे रहने लगी वो वाइफ, वहां पर पूरी जिंदगी अपने पेरेंट्स के घर पर रही थी। शादी के टाइम पर उसके वाइफ के नाम से प्रॉपर्टीज वगैरह ले दी थी उन्होंने, उसके इन लॉज ने और इस तरीके से, या उसके पास प्रॉपर्टीज कुछ और भी थी, अपनी प्रॉपर्टीज भी थी। 15-20 साल बाद उसकी डेथ हुई, वो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? हस्बैंड के तरफ में जाएगी या अपने फादर मदर की तरफ जाएगी? उसने कोई विल नहीं बनाई है। एज पर लॉ अगर उसका हस्बैंड जिंदा है तो उसको मिलेगी, अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो हस्बैंड के लीगल एयर्स को मिलेगी। लॉ है, इमोशनली आंसर आपने दे दिया। हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 15 है, 1A 1B उनको अपडेट करना है। मैं कह रहा हूँ इमोशनल आंसर है, एक लीगल आंसर है, हमने लीगल वाले पॉइंट पे रहना है, लॉ क्या कहता है ये वाला पॉइंट। तभी मैंने इतने सारे फैक्ट्स, वो फैक्ट्स इसीलिए देते हैं क्वेश्चन में भी, कोई इमोशनल होगा इमोशनल आंसर दे देगा, बट वो रॉन्ग है इमोशन वाला पार्ट। तो वही है कि अभी प्रेजेंट में अभी ये जो हरियाणा जुडिशियल, मैं उसी में हियरिंग में था, वहां पे आर्ग्यूमेंट्स और वही चीजें दी थी उसी में भी। तो वहां पर पॉइंट वही था कि अब रॉन्ग और राइट का तो बेस्ट आंसर की बात है, गलत बाकी दो भी नहीं है। बेस्ट वो है, बी बेस्ट है, सी नियर टू बेस्ट है, रॉन्ग नहीं है, बेस्ट की तरफ चले गए ये वाला पार्ट है। तो उसी सेंस में यहाँ पे कि हमने लॉ पॉइंट की बात ही करनी, लीगल खरीद के दी होगी तो सेपरेट बन गई, अगर माता पिता की डेथ के बाद में उसके पास में आई है ना तो उसके माता पिता की साइड ही चलेगी, तो जाएगी। तभी मैंने पॉइंट बोला सेपरेट वाला पार्ट है, और वहां पे वो इमोशनल टच आ जाएगा भाई, सारा जिंदगी तो वहीं रही, उन्होंने तो घर से निकाल भी दिया था, फिर भी वो प्रॉपर्टी वहां पे क्यों जाए? वो इमोशनल वाला पार्ट आ जाएगा वहां पर उसके रिगार्डिंग। इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस हर एक केस के लिए ये वाला। हाँ, पहले क्या था कि उसमें वो चीजें नहीं होती थी, अब क्या विक्टिमोलॉजी एंड इवन वर्ड विक्टिम ये लेटर ऑन ही ऐड किए गए हैं, जैसे वो भी आई थी लक्ष्मी का केस था, मूवी आई थी आपने कोई देखी हो, एसिड अटैक पे थी। यस हाँ, क्या नाम था मूवी का, नाम क्या था, छपाक, वो मतलब रियल स्टोरी के ऊपर ही बेस्ड है, जैसे उसके रिगार्डिंग वो लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। तो उस केस में पहली बार गाइडलाइंस दी गई थी कि इसको सिर्फ हम ग्रीवियस एक्ट कर कह के छोड़ दें, बंदा 2 साल या 3 साल या 4 साल अंदर है क्या गया बस। अब बाई चांस जब वो एसिड डाला आंख के या परमानेंट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बट फेस के बहुत ज्यादा लॉस हो गए, अगले बंदे को पनिशमेंट मिल गई बट विक्टिम को क्या मिला, दिस क्वेश्चन वाज देयर। तो इसीलिए भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी एक्यूज की होनी चाहिए, अगर वो कन्विक्ट हो गया दैट मीन उसने क्राइम किया, क्राइम किया तो उससे निकलवाओ, उसके पर्सनली नहीं निकल सकते, उसकी प्रॉपर्टी अटैच करो, फिर भी नहीं दे रहा उसकी प्रॉपर्टी बेच के निकलवाओ, फिर भी नहीं हो रहा, फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कंपनसेशन वाली जो चीजें ना पुराने वाली जो सीआरपीसी डिलीट हुआ उसमें 357 के अंदर ABCD ABC ये डाले गए, वर्ड विक्टिम की डेफिनेशन ही नहीं थी पहले, विक्टिम में अकेला, अब इसमें ये भी नहीं आएगा कि वही पर्सन विक्टिम, जैसे एक पर्सन है उसको मारा गया, वही सिंगल ब्रेड अर्नर था, बच्चे छोटे हैं, हाउसवाइफ है, अब आगे क्या? तो अब जिसने क्राइम किया है उससे कंपनसेशन दिलवानी चाहिए, चाहे वो कितनी की हो, इंश्योरेंस एक अलग चीज है, ये कंपनसेशन मतलब एक मॉनिटरी चीजें भी डाली जाए अगर पॉसिबल है तो, ये वाला पार्ट है इसमें। तो इस तरीके की जो चीजें क्या है कि ये विक्टिमोलॉजी का जो कंसेप्ट है उससे निकल के आई है, और ये रिसेंट ही है, ये पुराना नहीं है, क्योंकि 2WA को भी 9 के आसपास ही ऐड किया गया था, विक्टिम वर्ड में अकेला वो नहीं, उसके पेरेंट्स भी, बच्चे भी, इंक्लूसिव स्पाउस भी। जो वो बंदा जो वो
रामचंद्रन शनभोग का केस था, यूथनेशिया के ऊपर है उसमें। अब उसकी जो फ्रेंड थी ना, वही वो लीगल जो बैटल लड़ी थी। नाम सुना है रोना शनभोग का केस का? नाम सुना आप में से किसी ने? मर्सी किलिंग पे केस सुना? क्या था फैक्ट्स, थोड़े से बता दो मेरे को। ब्रेन डैमेज हो गया था, नर्व सिस्टम ब्रेकडाउन हो गया था। 70s के अराउंड हुआ था ये, 76 और तब हुआ था कुछ। ठीक है, वो वेजिटेटिव स्टेट वर्ड यूज करते हैं। अभी वो कोमा में थी, सांस चल रही है बस, वो था तब से। अब उसके फैमिली में शुरू में, चलो उसके पेरेंट्स से, अब उस टाइम वर्ड विक्टिम की डेफिनेशन ही नहीं था, वाला पॉइंट भी नहीं था। वो पर्सन तो इशू इसलिए अराइज हुई चीजें कि वो पर्सन तो जो पनिशमेंट थी वो पनिशमेंट कार्ड के बाहर भी आ गया, बट जो विक्टिम की पनिशमेंट तो उससे बड़ी होगी कि जो उसके बाहर आने के बाद में वो पनिशमेंट भी चलती थी। दैट वाज द बेसिक इशू। तो उस रीजन के कारण उसमें उसकी फ्रेंड थी जो उसमें जो सारा कंटिन्यू किया था, विक्टिम की जो फ्रेंड थी, तो उसने सारा कंटिन्यू किया, तो वहीं से चीजें निकल गए। तभी मैंने आपको एग्जांपल दी लक्ष्मी वाले केस की, कि उसमें एसिड अटैक में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी ना। पहले तो वो अक्यूज देगा, अर्नर है, इंडिपेंडेंट इनकम है, फिर उसकी प्रॉपर्टी अटैच करो, नहीं दे रहा प्रॉपर्टी बेच के निकलवाओ, फिर भी नहीं है, फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और उनका उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसी ही सिचुएशन उनमें भी, तो एक तरीके से विक्टिम रिहेबिलिटेशन, ये चीजें लेटर डेवलपमेंट से सारी की सारी। तो वैसी सिचुएशन में ये होगा, तो वो जो पनिशमेंट आप कह लो कि कंपेंसेशन देना, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोसीजरल लॉ। ये हम प्रोसीजर में करेंगे कि देखो पनिशमेंट की थ्योरीज हैं, कोई एक दो का नाम पता है आपको? पनिशमेंट थ्योरीज बोलते हैं, थ्योरीज है, डेटरेंट है और रेट्रीब्यूटिव है, रेफॉर्मेशन है और कुछ है, और एक आइसोलेशन वो अब नहीं है, जैसे पहले सजाए काला पानी होता था, अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल है वहां पे भेज दिया जाता है। अभी अब जितनी जिंदगी वहीं कटेगी, वहां के काल कोठरी से। वो पहले वाले आईपीसी में डिलीट कर दिया गया था। अब इंडिया में हम बात करते हैं कौन सी को हम फॉलो करते हैं। इंडिया में नहीं, प्रेजेंटली हम कौन सी पनिशमेंट थियोरी को फॉलो करते हैं? रिफॉर्मेटरी को करते हैं, थोड़ा मिक्सचर ऑफ डेटरेंट है इसके साथ में। हाँ, क्योंकि रिफॉर्म उसको करना है कि अक्यूज्ड है, तभी तो शुरू में हमने बातें इतनी बोली ना कि डीके बासु से चीजें रिलेट करके कि राइट है उसके, अरेस्टेड पर्सन के भी है, क्या पता उसने क्राइम भी ना किया, सिचुएशन भी हरासमेंट और वो चीजें भी ना हो। क्योंकि आज की और डेट में अगर बात करें तो मीडिया ट्रायल है, जैसे पर्सन अरेस्ट हुआ तब से ही मीडिया ट्रायल में, और वो बार बार ये न्यूज चैनल कह लो ये करके भी, एज इफ क्राइम, तो आज पकड़ा गया शाम को उसको कन्विक्ट, ढेर सबूत, इन्होंने ये बातें बोली है, उन्होंने बोली है तो सच्ची बोली होगी, लो तो मीडिया ट्रायल वही हो गया उसी के रिगार्डिंग। तो क्योंकि वो अरेस्ट हुआ तब वो मीडिया ट्रायल हुआ, तो वहीं से उसकी, अब अगर वो कल को एक्विट होता है, हरासमेंट तो शुरू होगी ना उसकी, वो अंदर चला गया उस रीजन से उसके रिगार्डिंग, तो इसलिए उसके राइट्स की बातें आ गई। देखो रेप विक्टिम का नाम डिस्क्लोज नहीं करना, डिस्क्लोजर इज अ क्राइम, पनिशमेंट उसके जैसे, बट क्या ये शुरू में था ही नहीं जैसे उसके रिगार्डिंग। तो एक तो विक्टिम होना, एक प्लस सोशल स्टिग्मा, प्लस वो नाम सामने लेके, आइडेंटिटी लेके आना सामने, उल्टा विक्टिम के लिए तो ऑलरेडी वो एक हरासमेंट और पनिशमेंट थी, ऊपर से पनिशमेंट और होगी जैसे उसके रिगार्डिंग वो सिचुएशन। तो ये सारी चेंजिंग डायमेंशन के साथ में चीजें चलती रही सारी। अब इस प्रोसेस में क्या है कि जो पुलिस, प्रोसिक्यूशन एंड कोर्ट, ये तीनों जो काम करती हैं वो सारा प्रोसीजरल लॉ, नागरिक सुरक्षा संहिता। पुलिस कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस करेगी, पर्सन को पकड़ेगी, अगर कोर्ट बोलेगी तो कहीं पे रेड वगैरह करके वहां से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आने, पर्सन को पकड़ के लेके आना, उन उनको लेके आएगी, समन दे के आएगी, वारंट लेके जाएगी, बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, पकड़ के लेके आना, वो पकड़ के अरेस्ट कर करके ले आएगी। उसके जो एविडेंसेस दिए उसके बेस पे केस चलेगा प्रोसिक्यूशन का, स्टेट की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो प्रोसीड करेगा, उस केस को आगे चलाएगा, एंड कोर्ट फाइनली उसके अंदर मेन रेफरी का रोल प्ले करेगी।
अब एक एडवर्सरियल सिस्टम होता है, एक इनक्विजिटोरियल सिस्टम होता है ऐसे क्राइम के अंदर। अब उसमें पार्ट क्या रहेगा, जैसे कि पार्टीज तीन होनी चाहिए, जज है वो फ्री होना चाहिए, तो वहां पे क्या प्रोसिक्यूशन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो अपने पार्ट पे प्लीड करेंगे सारा कुछ, डिफेंस अपना डिफेंस लेगा, और थर्ड पार्टी न्यूट्रल है, दोनों को सुन के एक फैसला देगी। ये डेमोक्रेसी वाला पार्ट है, उसके साथ में चलता है उसके रिगार्डिंग, क्योंकि और प्लस मतलब इसका कई रिलेशंस किस तरीके से आर्टिकल 50 कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, तो वो चीज क्या हिंट कर रही है, दैट जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इज डिफरेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, क्योंकि पुलिस किसका पार्ट हुआ, एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी अलग है उससे, अलग है दैट मीन्स वो न्यूट्रल है, फिर न्यूट्रल है तो उसके सामने दोनों पार्टीज के व्यू आएंगे, तो उसके बेस पे जो उसने प्रोसेस को फॉलो करना है, बेल देनी है नहीं देनी, रिमांड देना है नहीं देना, पुलिस रिमांड है कि जुडिशियल रिमांड है, ट्रायल है वो कौन सा ट्रायल करना है, वो एज पर दी एलिगेशन चार्ज क्या लगे हैं उनके ऊपर बेस होगा, उसके बेस के ऊपर ही पनिशमेंट का क्राइटेरिया आ जाएगा, कितनी पनिशमेंट देनी है, क्योंकि वहां पे लिखा था मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, कोर्ट है डिस्क्रिप्शन 3 साल दे दे के 10 साल दे दे, वो क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करे, उसका हीनियसनेस लेवल ऑफ द क्राइम, ये सारे का सारा प्रोसीजर का पार्ट है। इसी में ही इन बिटवीन एविडेंस का रोल आता है बेसिकली। यहां तक तो इस तरीके से हम चल रहे थे प्राइमा फेसी। अपरेंटली क्या लगता है, पुलिस वालों ने बता दिया भी हमें पिस्टल मिल गई जो उसके नाम पे लाइसेंस थी, सीसीटीवी कैमरा में उसकी रिकॉर्डिंग्स आ गई, फिंगरप्रिंट्स उसके उसके ऊपर मिले हैं, पुरानी एनिमिटी थी उसके मिल गए, और आई विटनेसेस। अब चार्ज फ्रेमिंग होगी कि डिस्चार्ज होगा, चार्ज मतलब केस चलेगा। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि वहां पर हाँ अब इसको भी पनिश कर दो आज के लिए, क्योंकि अभी हमने ऑडियो एल्ट्रम पार्टमेंट प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस उसको फॉलो करना है, इसलिए यहाँ पे चार्ज फ्रेमिंग होगी। वर्ड जो ट्रायल है वो चार्ज फ्रेमिंग के बाद इशू होता है, ट्रायल के बाद में ये स्टेज आती है, ट्रायल से पहले ये, चार्ज फ्रेमिंग से पहले ये हो सकता तो चार्ज फ्रेम हो गई, इसके बाद में सिचुएशन सारी स्टार्ट हो जाएंगी इसके रिगार्डिंग। सबसे पहले जो केस स्टार्ट होगा उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर आएगा, अपने गवाहों के नाम बताएगा, अपने सारे सबूत सामने रख देगा, अब दूसरी पार्टी को मौका भी, आप इनको रिपोर्ट कर दो, वो हियरिंग बाय हियरिंग चलता रहेगा, सारे प्रोसिक्यूशन की गवाहियां आ गई, सारे डॉक्यूमेंट आ गए, सारे साइंटिफिक एविडेंस सब कुछ चीजें आ गई, अब दूसरी पार्टी हाँ जी बताओ, अब आप अपनी साइड रखो सारी की सारी, वो अपना रखने लग गए, उनके गवाहों को उनको भी सुनेंगे, ये सारा जो प्रोसेस है इसको हम ट्रायल का पार्ट बोल रहे हैं, ऑडियो एल्ट्रम पार्ट है, प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस वो सब कुछ आ जाएगा। गवाहियां तो आ गई सारी की सारी, इसमें ये चीजें हैं। अब इनमें क्या है कि जैसे मैंने अपने जो केस जो मैं बोल रहा हूँ उसी के बेस पे चल रहे चीजें, सीसीटीवी कैमरा फुटेज आ गया, फ्रेंड्स आ गए, आई विटनेसेस वाला पार्ट आ गया, एनिमिटी वाला पार्ट आ गया, एनिमिटी की बात उसके घर वालों ने बताई है पहले कुछ। अब ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए कि फिंगरप्रिंट उसके भी लिए जाएंगे और पिस्टल के ऊपर वहां देखा जाएगा मैच करते हैं कि नहीं। जैसे ये डायरेक्ट विटनेस है, डायरेक्ट विटनेस उसको बोलते हैं कि जैसे जो आप अपनी सेंसेस से आपने महसूस किया, हम बैठे एक दूसरे को चीख सुनाई दे तो वो आपने सुनी है, इस चीज का डायरेक्ट है कि यू हैव हर्ड इट, अब आप ये चीज किसी और को बता दो ये इनडायरेक्ट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट है। तो ये डायरेक्ट में जो अपनी सेंसेस से सारा कुछ किया हो, एनिमिटी वाला जो पार्ट है इसको हम काइंड ऑफ सरकमस्टेंशियल के साथ रिलेट कर सकते हैं,
लड़ाई झगड़े, पुरानी मारने की कोशिश, पुराना कोई अटैक कर रखा है, वो सारा कुछ क्या कि प्रीवियस इंस्टेंसेस सारे वो बन जाएंगे। ठीक है, अब इनको सीसीटीवी कैमरा फुटेज है जैसे इसके रिगार्डिंग आ गई। अब एक वैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई नारे लग रहे थे भाई इस तरीके से, फिर केस हो गया, वहां के स्टूडेंट लीडर उनको अरेस्ट कर लिया गया, भाई ये ऐसे नारे लगा रहे थे इंडिया के अगेंस्ट। जैसे कैमरा फुटेज है, उन्होंने देख लिया सारा कुछ जैसे इसमें, उसके प्राइमा फेसी के वजह से पकड़े भी गए। बाद में जाके हुआ कि उसके अंदर जो काइंड ऑफ लिप सिंकिंग की गई है, वर्ड उस टाइम पर ही कुछ और पीछे से उनकी जो वॉइस है उसमें वेरिएशन आ रहा है, जो ओरिजिनल वॉइस और उसमें फर्क है। पहला पार्ट, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज, अब पता नहीं कौन से कैमरे की कितनी क्लैरिटीज हो, उसी पर डिपेंड करे कि एक्चुअली में वही पर्सन है, इतनी क्लियर फोटो है कि नहीं, ऐसे वाला पार्ट है। प्लस इसमें भी क्या, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के अंदर भी ये वाले पार्ट भी है। अब एक आपने रिकॉर्डिंग कर ली मान लो उसी चीज की फोन पे, उसको फॉरवर्ड कर दिया इनको, अब ये फॉरवर्डेड है, आगे फॉरवर्ड सभी को होगी, उनमें से कोई फॉरवर्ड वहां पे कोर्ट में दिखा देंगे, मान ले कि बात कोर्ट वही, कौन सा चेंज तो नहीं किया ना आपने, इनको किया इन्होंने, आपने सबको कर दिया, वही वीडियो है, मानना चाहिए वही तो वीडियो है, सबके पास ही है, क्या रीजन है। ओरिजिनल इनके पास है, या तो यही का यही फोन ही कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए, या इन्होंने इनको दिए तो ये बोले हाँ आई हैव फॉरवर्डेड इट, मैंने फॉरवर्ड किया है, मान लो इनसे डिलीट होगी, इनको इन्होंने ही डिलीट फॉरवर्ड किया था, आई हैव फॉरवर्डेड, आई हैव रिकॉर्डेड इट, ये वाला पार्ट भी होना चाहिए। इसको वर्ड को सर्टिफिकेट की कैटेगरी में रखा, नहीं तो सिर्फ वही, बाकी औरों के पास में है ना वो कुछ नहीं है, पता नहीं कहाँ पे क्या चीजें हो गई, उसे मिक्सिंग हो गई है कुछ ना कुछ वर्ड में या कुछ और आ गया हो, क्योंकि लॉ के पर्पस के लिए ऑलरेडी फर्स्ट हैंड वो थी, सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड से अब फोटो कॉपी की, फोटो कॉपीज का क्या हाल होगा, तो ओरिजिनल की फोटो कॉपी की गई एक, उसकी आगे फोटो कॉपीज की फोटो कॉपीज हो, जो हाल वो है वही फॉरवर्ड का हाल है, सेम ही सिचुएशन है, वैसा ही कुछ है इसी के रिगार्डिंग, तो प्रूव करना पड़ेगा, या तो वो कंपेयर किया गया सर्टिफिकेट वाला पार्ट, हाँ जी मैंने फॉरवर्ड किया ऐसे, वो वाली सिचुएशन, ये चीजें एविडेंस में है। फिंगरप्रिंट पुराने में 45 था, नए के अंदर चेंज है अब इसमें, उसमें वो जो चीजें हैं तो वो सर्टिफिकेट देगा भी, हाँ फिंगरप्रिंटिंग मैचिंग की है, इनमें ये चीजें हैं, रीजन है जिसकी वजह से हाँ मैं फिंगरप्रिंट भी इसका है। आई विटनेस डायरेक्ट आ जाएगा, एनिमिटी के लिए वो सारी अपनी स्टेटमेंट देंगे। अब डिफेंस क्या करेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने को लगा भी सकता है, फिंगरप्रिंट में वो कहते हैं कि वेरिएशन है भी, हमारे पास भी रिपोर्ट है, जो पिस्टल वाले हैं उनके साथ हमारे जो पर्सन है उसका नहीं मैच हो रहा। आई विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करेंगे, कैसे कह सकते हो, कितनी दूर से तुम, टाइम क्या था उस टाइम, बारिश आ रही थी कि नहीं आ रही थी, चश्मा कितने नंबर का है, चश्मा लगाया था कि नहीं लगाया था, जब बारिश हो रही थी तभी, मतलब बिल्कुल इस सिरे खड़े थे और वहां उस कोने पे वो, मतलब कुछ हुआ आपको दिख गया सारा क्लियर, मतलब ये सारी चीजें क्या वो डिफेंस वाले करेंगे उसको अपनी जगह से हिलाने के लिए। एनिमिटी वाला पॉइंट, ऐसे गुस्से में कोई बंदा किसी को बोल दे क्या पक्का मारेगा, किसी और ने मारा हो, किसी और ने बोला हो, फिर बोलने वाले को पकड़ लाएंगे हर बार, डायरेक्ट एविडेंस ना मिले तो फिर। चलो तो कहने का पॉइंट क्या हुआ कि ये जो सामने से कॉन्ट्राडिक्शंस है ये सारी कोर्ट में होंगी, इस पर्पस के लिए ये सारे एविडेंसेस हैं, यहाँ पर एविडेंस एक्ट अप्लाई हो जाएगा। शुरू में आई विटनेस ने स्टेटमेंट दी, एग्जामिनेशन चीफ है, सामने वाली पार्टी उसको क्रॉस क्वेश्चन करी, वो क्रॉस एग्जाम, कोर्ट सारों को देख के एनालाइज करेगी भी, हाँ जी भी आई विटनेस की तो जो बातें हैं झूठी लग रही हैं, कुछ एक रीजन नहीं दे पाया कि क्यों था वहां पर उस दिन, कोचिंग के लिए आया था, डेमो के लिए आया हुआ था, क्लास में बैठा था इसलिए मैं वहां पर आया था, तो वो रीजन हो सकता है, हाँ भी ठीक है ये चीज जस्ती है बात भी है, या फ्रेंड था उसको मिलने के लिए आया हुआ था जैसे वहां पर, अरे मतलब पॉइंट क्या है कि क्रॉस एग्जामिनेशन इरेलीवेंट क्वेश्चनिंग हो सकती है, चीफ के अंदर नहीं होती है, क्रॉस में इरेलेवेंट को क्यों अलाउ किया, कि भी अगले बंदे को उन्होंने हिलाने की कोशिश, सच्चा होगा तो नहीं हिलेगा, पते की बात होगी वहां से नहीं हिलेगा, सच का सबसे बड़ा फायदा भाई कहते हैं उसको याद नहीं रखना पड़ता, जो हुआ है वो हुआ है,
इसलिए अपने आप ही ऑटोमेटिकली वही बातें निकलेंगी ना, सही क्वेश्चन पूछा जाएगा तब, और बार बार भी वही निकलेंगी उसके रिगार्डिंग। तो ये सारी चीजों को एनालाइज करके इसके बेस पे फलां चीज का रिपोर्ट लोगे, आई विटनेस नहीं था बट सीसीटीवी कैमरा फुटेज फिंगरप्रिंट है ये मिल रहे हैं, ये चीज है, ये सरकमस्टांशियल है, इनडायरेक्ट है, इनके बेस पर और चीजें भी हैं उनके साथ मिल गई, हाँ भी कन्विक्शन हो सकती है। मान लेते हैं कि हमने ये दोनों चीजें नहीं थी, आई विटनेस और यहां तक की स्टेटमेंट्स थी, तो फिर सिचुएशन एक और बन जाएगी उसके रिगार्डिंग। अभी एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, पुराना केस है सीरियल किलर, ब्राइड्स इन द बाथटब करके, आप गूगल भी लिखोगे ना ब्राइड्स इन द बाथटब, सीरियल किलर था, एक ही तरीके से वुमेन्स को मारता था, एक ही मोड से उसी मैनर में। तो एक लास्ट टाइम जैसे पकड़ा गया ना, सेम वैसा ही क्राइम था जो उनके अनसॉल्व थे, मिस्ट्री थी, तो उन्होंने उसमें भी उस चीज को मैच करके उसको सरकमस्टांशियल उनके बेस पर उसको प्रूव किया, ठीक है, सीके की सिचुएशन जैसे इसके रिगार्डिंग। और तो उसमें पॉइंट क्या हुआ कि वो जो चीजें थी, देयर वाज अ स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी, पैटर्न सेम था, क्राइम भी वो सेम ही कर रहा था, ठीक है, तो उसके बेस पे ये क्या है, सरकमस्टांशियल एविडेंस है, ऑल्दो डायरेक्ट नहीं मिला। उसी का एक और एग्जांपल देता हूँ कि बॉम्बे में ना अभी 2011 से लेके 2020 के बीच में रेप एंड मर्डर के 4 से 5 केसेस हुए थे अलग अलग जगह पे, एंड इवन उसमें जो सबसे लास्ट हुआ था ना, वो पुलिस के रेजिडेंशियल जो क्वार्टर्स है उनकी छत के ऊपर डेड बॉडी मिली थी, तब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया था कि अब तो पकड़ना चाहिए, तब वो उनके पीछे वो लगे उसके रिगार्डिंग, वहां से जो डीएनए कलेक्शन हुई, क्योंकि बाय 2019-20 तक वो डीएनए और वो चीजें भी थी, तो उसके 2017 में जो अलग अलग जगह क्राइम थे उनके बेस पर वो डीएनए सेम पाया गया, भी सेम ही पर्सन, और जो उसके बेस पर कुछ सीसीटीवी कैमरा फुटेज आ गई तब पकड़ा गया, और जो पुरानों के साथ जब डीएनए मैच किया गया, अभी 2012 11 12 वाला मर्डर भी उसने किया, ये क्या है, पुराने मर्डर के लिए अब किसी ने नहीं देखा बट हमने उसके लिए भी उसको कन्विक्ट कर दिया, दिस इज इनडायरेक्ट सर्कमस्टांशियल एविडेंस। प्रेजेंट में आज का न्यूज़पेपर था उसमें भी ऐसे कुछ ढाल रखा है।